हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज हम एक बार फिर से आ गए हैं माइनक्राफ्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ अलग लग सकती है बिकॉज ऑफ मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया है। तो यहाँ पे आज हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। आज हम फाइट कराने वाले हैं गोलम की माइनक्राफ्ट के कुछ सबसे पावरफुल मॉब्स के साथ एक बेहतरीन सी फाइट्स। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेज भी बना लिया है, रिंग कह सकते हैं आप इसको। काफ़ी बड़ा रिंग मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअली ये एंड पोर्टल का रिंग है। एंड पोर्टल ऐसा वो है फ्रेम जो कि फूटता नहीं है नॉर्मली, जैसे कि बेड रॉक हो गया, ऑब्सीडियंस हो गया, टीएनटी से पोर्टल्स फूटते नहीं है। इस वजह से मैंने ये एंड पोर्टल का बनाया। टीएनटी से फोड़ने से मतलब इसलिए क्योंकि अंत में हम गोलम्स की फाइट सिर्फ वेदर से भी कराने वाले हैं और वेदर यहाँ पर ब्लास्ट करता है जिससे यहाँ पर सब कुछ टूट फूट सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एंड पोर्टल से बनाया हुआ है। मैं एक्चुअली बेड रॉक या उससे भी बना सकता था, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सीडियंस से, बट यहाँ पर मैंने एंड फ्रेम से बना लिया। ऐसे ही कुछ थोड़ा बाहर से रोशनी आती रहे इस वजह से, तो यहाँ पर मैंने इस वजह से इससे बनाए हुए हैं। तो फिलहाल ये तो हमारी रिंग, और नीचे यहाँ पर 10 गोलम्स हैं, ऑलमोस्ट 10 हैं, 8 है एक्चुअल में, मेरे को ठीक से याद नहीं। एक इसको पिगलिन को स्पॉन करके मैंने देखा कि इनको कितना टाइम लगना है मारने के लिए। 1 सेकंड में ही उस पिगलिन को निपटा दिया। एक बार और करते हैं। ओके, सो पिगलिन को तो बहुत जल्दी ये देखी, 1 सेकंड पर सीधा पिगलिन गायब। तो अभी और कुछ पावरफुल मॉब्स स्पॉन करेंगे, उसके बाद अंत में कराएंगे गोलम वर्सेस वेदर, एक ख़तरनाक सी फाइट कराने वाले हैं लास्ट में। फिलहाल यहाँ पे जोम्बी एक बार स्पॉन करके देखते हैं, जोम्बी का एग ले लेते हैं। ओके, सो जोम्बी ख़त्म। नीचे भी नहीं गिर पाया हवाई में, ये इस बार इसको ऊपर ही उछाल दिया, ऊपर जाके जल गया, फिर नीचे गया, फिर निपटा। ओ भाई, दिन था तो ऊपर आके वो जल गया, उसको उछाल दिया वहाँ नीचे से। एंडरमैन से एक बार फाइट करा के देखते हैं एंडरमैन क्या करता है। एंडरमैन थोड़ा सा पावरफुल होता है इससे। ओके, आई थिंक वो टेलीपोर्ट हो गया नीचे, वो टेलीपोर्ट हो गया कहीं, तो इसको तो मारा, लेकिन ये भी शायद टेलीपोर्ट हो गया। इसको मारा ही ऊपर चल गया और इसको पूरा मार दिया वहाँ पे नीचे मरा हुआ है। देखा ये वाला तो मरा था पक्का, लेकिन कुछ टेलीपोर्ट भी हो रहे हैं आई थिंक सो। एंडरमैन तो टेलीपोर्ट हो जाता है, एंडरमैन से कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं ये पोर्टल ज़मीन में बनाता तो जरूर एंडरमैन टेलीपोर्ट शायद नहीं होता, बट मैंने आसमान में इसलिए बनाया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, तो आसमान में लड़वाएंगे इनको। तो एंडरमैन से तो यहाँ का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो आई थिंक सो टेलीपोर्ट हो रहे हैं नीचे। ओके, देखिए नीचे काफ़ी सारे एंडरमैन खड़े हुए हैं, तो एंडरमैन तो टेलीपोर्ट हो रहा है आई थिंक सो। तो एंडरमैन से यहाँ पर ज़्यादा फाइट नहीं कराऊंगी। ओके, इसको मार दिया, कितनी ईजिली मार दिया। ये नीचे खड़े होकर स्पॉन करें तो टेलीपोर्ट नहीं हो रहे हैं, हवा में मैं स्पॉन करता हूँ तो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओके, तो फ़िलहाल कोई और निकाल लेते हैं, कोई और मॉब, जैसे कि कोई खतरनाक सा। ओके, ये हस्क एक बार ट्राई कर लेते हैं, वैसे बहुत कमज़ोर सा होता है अपना जोम्बी का और रेगिस्तान वाला वर्जन। ओके, इसको भी नीचे नहीं गिरने दिया, ये भी वही जोम्बी होता है, बस ये जब रेगिस्तान में होता है ना डेजर्ट वाले एरिया में, तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है, और कुछ नहीं है। हस्क इतने सारे मैंने फेंके, एक भी गोलम को डैमेज भी नहीं हुआ ज़्यादा। इनको थोड़ा रिपेयर कर देते हैं, जितना भी थोड़ा थोड़ा सा डैमेज हुए हैं ये फुल्ली इनको चार्ज कर देते हैं, उसके बाद थोड़े ख़तरनाक से मॉब्स इनके सामने भेजेंगे। फ़िलहाल जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा चार्ज कर देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ और यहाँ पर अच्छे ताकतवर मॉब्स स्पॉन करने वाला हूँ मैं। ख़ास तौर से ये जो सांड है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, नेदर का सांड है ये, आपने देखा होगा, पिग सांड बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, पिग है ये एक्चुअली, नेदर का पिग है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पिग रहता है वहाँ पर। तो इसको भी गोलम्स काफ़ी ईजिली मार देते हैं, गोलम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं और काफ़ी ईजिली यहाँ पर पिक्स को भी मार देते हैं वो। तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्स मैंने एक बार स्पॉन कर दिए, देखते हैं गोलम बच पाते हैं या पिक जीत जाते हैं। अच्छा, पिक जीत जाएंगे, बहुत सारे पिक्स थे। ओके, मार दिया गोलम्स ने, बहुत ईजिली मार दिया भाई इतने सारे पिक्स को भी, लेकिन काफ़ी गोलम्स डैमेज भी हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो पहले इनको थोड़ा सा आयरन दे देते हैं ताकि बिल्ड अप हो जाए, सभी को थोड़ा थोड़ा आयरन दे देते हैं, काफ़ी डैमेज भी हो गए हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे एक्चुअल हैं वो पिग वाले ज़ॉम्बी स्पॉन कर दिए थे। पिगलेंस के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो ईजिली छोटे से होते हैं, उनको तो ईजिली ज़ॉम्बी मार देंगे ये गोलम्स अपने।
तो यहाँ पे इसके अलावा मैं मॉब्स की बात करूँ, मतलब एंडरमैन और विदर को छोड़ दें तो उसके अलावा मेरे को सबसे ज़्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी यही लगता है कि देख सकते हैं ये वाला पिगलेन होता है। ये एक्चुअल में एक्स लिए रहता है अपने हाथ में और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पिगलेन होता है ये। देखिए, ओके, देख काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। मुझे लगता है ये थोड़ी ज़्यादा स्पॉन कर दूँगा तो गोलम को लोग निपटा भी सकते हैं, इतने मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पिग लगते हैं इनसे। देखिए गोलम काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो गया है, इसको थोड़ा रिपेयर कर देते हैं। इन सभी को एक बार रिपेयर करके काफ़ी सारे पिगलिन भी स्पॉन करेंगे, फिर देखेंगे कौन जीतता है यहाँ पे। वेदर से फाइट बिल्कुल अंत में कराएंगे, लास्ट में एकदम। ओके, सो ऊपर आ जाते हैं, इस बार काफ़ी सारे पिगलिन स्पॉन करेंगे। ओके, सो काफ़ी सारे कर दिए, लगभग 15-16 10 ही 12 होंगे। तू कहाँ ऊपर आ गया अभी, इसको ऊपर उछाल के आ फेंक दिया है, इसको नीचे गिरा देता हूँ। गया क्या? ओके, नीचे जाके मर गया वो, काफ़ी ऊँचाई है क्योंकि यहाँ से गिरा तो वो मर गया। ओके, सो इन सभी को मार दिया है, पूरे पिगलिंस को यहाँ पर गोलम्स ने। लेकिन आप देख सकते हैं सभी के सभी गोलम्स यहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पिगलिंस भी बहुत ताकतवर होते हैं वाले। अगर आपने नहीं देखे हैं तो, आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा कितने ज़्यादा वो पावरफुल होते हैं, लेकिन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस बार मैं और सारे स्पॉन करने वाला हूँ, देखते हैं कितना ज़्यादा ये टूट पाते हैं गोलम के सामने, क्योंकि गोलम का तो एक किट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। देखते हैं यहाँ और काफ़ी सारे मैंने स्पॉन कर दिए, अभी देखते हैं नीचे क्या फाइट चल रही है। अभी तो लग रहा है पिगलिंस आगे हैं यार, लग रहा है इस बार पिगलिंस निपटा दें गोलम को। ओके, एक ही गोलम बचा, बाकी सभी को मार दिया। ओके, इसको भी मार दिया भाई साहब। देखा, मैं बोला था ये पिगलिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इतने सारे गोलम्स को भी ले गए। ओके, सो अभी मेरे को आयरन गोलम स्पॉन करना पड़ेगा, तभी ये लोग यहाँ से मरेंगे, नहीं तो मैं तो इनको नहीं मारने वाला। को शॉर्ट लेके मारता रहे, मैं तो नहीं मारने वाला इनको। तो एक गोलम स्पॉन करते हैं, देखते हैं एक गोलम इन पाँच को ले जा पाता है कि नहीं, जबकि ऑलरेडी डैमेज है। एक मर गया, ओके, दूसरा भी मर गया, तीसरा भी मर गया, तीन मर गया, चार मर गए, बहुत हार्ड की एक बचा। ओके, एक आखिरी ने एक एक्स मारी और वहाँ पे गोलम बोल गया। चलिए एक और गोलम स्पॉन कर देते हैं और देखते हैं वो मार देता है इसको कि नहीं। वो तो मार ही देगा एक्चुअली, क्योंकि इसकी हेल्थ भी लो है। ओके, सो वो मार भी नहीं पाया इसको, हेल्थ भी इसकी फुल है एकदम। तो एक दो गोलम और स्पॉन कर देते हैं, एक तो कर ही देते हैं फिलहाल। एक मिनट, हट जा भाई यहाँ से, अबे मेरे को गोलम स्पॉन करना है, हट जा गोलम। 1v1 इसकी फाइट करा देते हैं वहाँ पे, तब तक ही वहाँ लड़ता रहेगा वो भाई। 1v1 ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको डैमेज कर दिया है गोलम को, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था गोलम। 1v1 एक बार और कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई भाई भाई, भाई, भाई। ख़तरनाक फाइट की है इसने 1v1 में, गोलम पूरा डैमेज हो चुका है 1v1 में भी। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पिघले ने 1v1, अगर मेरे हिसाब से दो होंगे तो गोलम को ले जाएंगे, दो पिघलें फुल हेल्थ वाले। तो यहाँ पे मैंने तीन गोलम स्पॉन कर दिए, थोड़े और कर देता हूँ क्योंकि अब हम फाइट कराने वाले हैं डायरेक्ट विदर से। सो मैंने ज़्यादा जॉम्बी स्पॉन नहीं किए हैं, सिर्फ 5 जॉम्बी बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 5 गोलम स्पॉन किए हैं। देखते हैं 5 गोलम एक विदर से जीत पाते हैं या नहीं। देख सकते हैं आप, 3 और 2 5 गोलम से टोटल, और वेदर आ चुका है वहाँ से। ये भाग भी नहीं पाएगा वेदर, क्योंकि जगह नहीं है भागने की, एक्चुअली ब्लास्ट होने वाले थे। ओके, ब्लास्ट हो गया, पूरे गोलम डैमेज हो गए ब्लास्ट के वजह से। अभी तो इसकी हेल्थ काफ़ी तेज यहाँ पे जा रही है, देखते हैं गोलम जीत पाते हैं या नहीं। ओके, कुछ गोलम तो निपट गए थे, थोड़ा रात हो गई तो अंधेरा हो गया, इनको इफेक्ट लग गया जिस वजह से डैमेज होते जा रहे हैं। 2 गोलम्स तो यहाँ पर मर गए, लेकिन 3 बच गए और डैमेज्ड हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, बच गए। तो यहाँ पे 5 गोलम्स ने एक वेदर को हरा दिया, काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पे गोलम्स के लिए। इसी बात पे इनको आयरन दे देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हो गए थे एक्चुअली ये। अब 3 गोलम्स वर्सेस एक वेदर कराते हैं, देखते हैं 3 गोलम्स एक वेदर से जीत पाते हैं या नहीं फिलहाल। लेकिन रात हो गई है तो मैं ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह यहाँ पर फाइट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा उस वजह से यहाँ पर सो जाते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे एक वेदर वर्सेस 3 गोलम की फाइट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 गोलम्स वैसे एक वेदर से आई थिंक नहीं जीत पाएंगे,
पांच को तो थोड़ा मुश्किल पड़ गया था क्योंकि दो ने उस दो को मर भी गए थे पांच में से। देखते हैं तीन गोल जीत पाते हैं। तो ये ब्लास्ट होने वाला ओके तो ब्लास्ट हो गया यहाँ पे और अभी देखते हैं यहाँ पे जीत सकते हैं एक्चुअली। थोड़े सा मैंने इनको हेल्प दे दी बिकॉज ये ब्लास्ट का काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे इसलिए मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी और इनको थोड़ा आयरन दे दिया जिस वजह से इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई और मार दिया उसको मैंने एक्चुअली इनकी हेल्प कर दी थी इनको थोड़ा आयरन दे दिया था जिस वजह से इन्होंने उसको मार दिया वरना आई थिंक ये लोग नहीं जीत पाते एक वेदर से। तो फिलहाल मैंने हेल्प कर दी शायद उसी वजह से ये लोग जीत गए आई थिंक। तो ऐसा करते हैं एक बार और बना देते हैं और इस बार मैं हेल्प नहीं करूँगा देखते हैं जीत पाते हैं ये लोग नहीं। ओके ओके वैसे आई थिंक सो नहीं जीत पाएंगे ये लोग देख लेते हैं एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं। ओके तो अब ये ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्थ चली जाती है जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है वरना अगर ये ब्लास्ट होने के बाद जब ये लड़ने पे आता है ना तभी अगर वो लोग लड़ते हैं इससे तो ईजी जीत जाएंगे बिकॉज ऑफ ये ब्लास्ट उसके अगर काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्थ कम हो जाती है और यहाँ पे दो तो ख़त्म हो गए और तीसरा भी ख़त्म तो यहाँ पे वेदर जीत गया ईजली और एक और गोलम स्पॉन कर दिया ताकि इसको मार देते। ओ भाई ये मैंने वेदर स्पॉन कर दिया दो वेदर हो गए भाई गलती से वेदर स्पॉन कर दिया मैंने मैं गोलम स्पॉन करने वाला था ताकि मार दें ये ब्लास्ट होने वाला एक्चुअली। ओके ब्लास्ट भाई ब्लास्ट हो गया मेरा पूरा आयरन ले गया ये ब्लास्ट होते समय भी कुछ ना कुछ ले गया एक गोलम मैंने स्पॉन कर दिया देखते हैं क्या करता है वन जीरो लड़ाई की वजह से आधी हेल्थ के विदर को भी इसने बहुत मारा वन जीरो ने वो भाई जीत जाएगा क्या भाई मार दिया अकेले आधी हेल्थ वाले विदर को काफ़ी बड़ी बात है एक ही गोलम ने मार दिया एक तो ऊपर भग गया। तो फिलहाल के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए इसी तरह की और ऑसम वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही बाय बाय।